आया, ये देखो एक कोने में इधर लेटा हुआ है, उसके बाद एक उधर कोने में लेटा हुआ है, एक तो देखो वो दीवार फाड़ के अंदर घुस गया है, ये देखो एक छछुंदर इधर ही मजा कर रहे हैं। जल्दी वहाँ से हटो। पानी के अंदर देखो कितना मोटा है भाई साहब, बैठा है व्हाइट टाइगर। बैल बुद्धि लोग को कौन बताए कि बच्चों के खेलने वाली जगह पर नहीं खेला जाता है। हाँ बताओ। हाँ जी क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए काकरिया लेक, बोले तो अहमदाबाद का सबसे बड़ा झील है वो और सबसे बड़ा जू भी है उसके अंदर। तो हम लोग अभी जाएंगे पांच लोग, पहला मैं हूँ सबसे बड़ी बात ये है, और उसके बाद है अपने सोहेल भाई। सोहेल भाई को अभी तक आपने किसी भी ब्लॉग में नहीं देखा होगा, पहले ब्लॉग में है हमारे साथ जा रहे हैं। और मेहताब भाई ये तो जाते आते रहते हैं, मतलब इनके अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आप लोगों को देखने का, क्योंकि पहले बहुत बार देख चुके हैं। उसके बाद अपने सारिम भाई, सारिम ये ड्राइवर गाड़ी चलाएंगे। उसके बाद है अपने इरशाद भाई, सेठ आदमी है ये देखो, ये देखो ये आदमी हाई पैसा। संडे के दिन भी आदमी काम पर है। हाँ एक चीज बताना भूल गया, कैमरामैन हमारे इनामुल भाई वो भी है साथ में। ठीक है इतने लोग हैं, पांच लोग तो स्कूटर से तो जा नहीं सकते, तो हमारा है कार, ये है इरशाद भाई का ये नंबर है। अगर आपको कभी भी पूरे गुजरात में कहीं पर भी अगर आपको टैक्सी की जरूरत हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं और इस कार को बुक करा सकते हैं। कहीं भी जाना हो, कहीं से भी आना हो, गांव से अगर आप आ रहे हो, स्टेशन पे आ रहे हो, रेलवे स्टेशन पे आ रहे हो, या फिर एयरपोर्ट पे आ रहे हो, कहीं पर भी आ रहे हो, या फिर यहाँ से कहीं जा रहे हो तो भी एयरपोर्ट से रिसीव करने का, होटल छोड़ने का, या फिर होटल से रिसीव करके एयरपोर्ट छोड़ने का, स्टेशन छोड़ने का, कहीं पर भी अगर आपको जाना है तो आप ये कार बुक कर सकते हैं। टैक्सी है, नंबर दिखा दो और मोबाइल नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करके आप इस कार को बुक कर सकते हैं। तो अभी हमारे साथ एक बच्चा है, साजन नाम है इसका, कि हम लोग जा रहे थे तो ये रोने लगा कि नहीं हम लोग भी जाएंगे घूमने के लिए, हम भी जाएंगे। अभी देखो मुझे पहचानता नहीं है, अभी देखा नहीं है पहली बार, फिर भी हमारी गोद में बैठ गया घूमने के लिए। बच्चों को घूमने का बड़ा शौक होता है, ये देखो। ये देखो ये मेहताब भाई अपने, इनको गाड़ी चलाने नहीं आता था, बट फर्स्ट टाइम जब मैंने आपको ये गाड़ी दिखाया था जो हम लोग खरीदे थे उस टाइम पर इनको गाड़ी चलाने नहीं आता था, और इतनी जल्दी इन्होंने पूरी ड्राइविंग सीख ली, लाइसेंस सब कुछ बन गया और देखो आज ये गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है और अपने पास सारिम भाई हैं, सारिम भाई पीछे बैठे हुए हैं, पहले सारिम भाई गाड़ी चलाते थे, सबको गाड़ी चलाने आता है, सिर्फ मुझे गाड़ी चलाने नहीं आता है बस। ओए गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अभी काकरिया लेक पे, अहमदाबाद का सबसे बड़ा जू है इसके अंदर। इधर देखो बंदर बाहर से ही टहल रहे हैं। तो ये है एक नंबर गेट है ये, ठीक है हमेशा, लेकिन गेट ये बंद ही रहता है। उधर से एक छोटा सा एंट्रेंस है, वहां से एंट्री है, टिकट लगता है 10 रुपया अंदर जाने के लिए, बाकी जू में जाने के लिए टिकट का प्राइस ज्यादा है, देखते हैं कितना प्राइस। आ जाओ तो गाइस टिकट मिल गया है, खाएंगे। तो गाइस अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं, चलो ये झील है और यहाँ से पूरा साइड साइड में पूरा रास्ता है और बीच में एक ट्रेन भी चलती है, टॉय ट्रेन, आ जाओ आपको दिखाता हूँ। तो गाइस इधर अगर आप इधर घूमने के लिए आते हैं, इधर नाश्ता पानी के लिए भी रेस्टोरेंट भी है, इधर कैंटीन है, मतलब ये जो लेक है ना, जो झील है, ये बहुत बड़ा है, इसको आप अगर एक राउंड पूरा लगाएंगे तो कम से कम 1.5 घंटे तो लग जाएंगे, आराम से चलेंगे आपको। लेकिन अगर आप नहीं चल सकते इतना दूर तो बीच बीच में एक ट्रेन भी चलती है, उस ट्रेन में बैठ करके भी आप सफ़र कर सकते हैं। उस झील में अगर आपको स्टीमर भी चलते हैं, अगर इसमें भी आप घूमना चाहते हैं तो इसमें भी घूम सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग स्टीमर चल रही हैं। ये है किड्स सिटी यानी कि बच्चों के लिए है ना, प्लेग्राउंड भी अंदर है, इसके अंदर तो हम लोग जाएंगे नहीं क्योंकि हम लोग बच्चे तो है ही नहीं। ये देखो सारिम भाई को अपने बच्चे हैं, एकदम बैल बुद्धि है, बच्चों के खेलने वाले इस पे खेल रहे हैं, बताओ ये कोई बात हुई? बैल बुद्धि है, इनको छोड़ जाता है कुछ। बैल बुद्धि लोग को कौन बताए कि बच्चों के खेलने वाली जगह पर नहीं खेला जाता है। हाँ बताओ। ओ भाई स्टीमर आ रहा है, ये देखो जल्दी वहां से हटो। ये देखो बरगद का पेड़, बरगद ही है ना, बरगद नहीं बरगद होता है भाई। तो ये है अमरपाली दुबे का, सॉरी अमरपाली फैनलैंड, वही ये पार्क है, इसके अंदर बंद है अभी, पूरा बंद रहा है ना, चालू था स्विमिंग पूल था पर अब बंद हो गया, बंद हो गया, काम चालू है। चलो तो गाइस अभी बारिश शुरू हो गई है जोर से, ठीक है तो हम लोग थोड़ा सा इधर एक पेड़ के नीचे रुके हुए हैं और देखते हैं कब बारिश बंद होती है, बंद हुई तो ठीक है, नहीं बंद हुई तो बारिश में भीग लोग बनाएंगे। ओके पहले तो घबराना नहीं है, पहले सबसे पहले तो घबराना नहीं है, बारिश बंद भी हो सकती है ठीक है, लेकिन बारिश भी जरूरी है, होना पड़ेगा।
होना पड़ेगा। अरे होना पड़ेगा मतलब क्या होना पड़ेगा? बारिश बारिश आज मजे ले रहा है। बारिश हमारे मजे ले रहा है। हर रोज हम बारिश के मजे लेते थे, बारिश आज हमारे मजे ले रहा है। यार मतलब भाई ये किसका पेड़ है यार? हम लोग इतना बारिश रोक लिया, तरबूज का पेड़ है यार। क्या हो क्या भैया, नारियल का पेड़ लग रहा? अरे तरकुल का पेड़ है बेवकूफ। तरकुल का सुनाओ, लंबा होता है, छोटा वाला है, अभी बच्चा है ना बड़ा। तो भाई ये आप देख सकते हो, ये है ट्रेन जो लेक के पूरा साइड पे चलती है। इसके अंदर कुकुर नॉट अलाउड। तुम कैसे आए हो? अरे यार तुम भी तो आए हो। मैं भी आया हूँ। मैं भी आया हूँ। बुलाती है मगर जाने का नहीं। साले एक बार गया था, पैसे ही लिए यार। अच्छा दुकान पे? दुकान पे क्या बुलाए? आओ बताओ कितनी ना इंसाफी है। बुलाने का मगर खाना खाने के लिए और खाना खाने पहुंचे तो पैसा ले लेते हैं। ये क्या बात है? वो भी ऑनलाइन देना पड़ा भाई साहब। ऑनलाइन देना पड़ा? बताओ ऑनलाइन पैसा लिया कैसे? जीपे लिया था। जीपे जीपे गाइस, ये है हॉरर हाउस। हॉरर हाउस मतलब समझ लो कि ये बच्चों के लिए ही है। अंदर जाओगे ना थोड़ा सा डरावनी चीजें होती है, अंधेरा होता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अंदर जाके फायदा क्या, कुछ दिखेगा ही नहीं तो आप देख भी नहीं पाओगे, एकदम अंधेरा है इसके अंदर। सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है। डर लगता है हम लोग को। फटती है, फटती है। तो ये देखिए छछुंदर लोग इसी में मजा कर रहे हैं, बैठ गए हैं, थक गए हैं लोग। और एक छछुंदर सॉरी सुहेल भाई गए हैं वहाँ पर टिकट लेने के लिए, ये टॉयलेट में बैठे हो का? तो भाई हम लोग ये जू के अंदर घुसने जा रहे हैं। इसके अंदर आपको शेर भालू कुत्ते बिलार सब मिलेंगे, आ जाओ देखते हैं। तो अभी हम लोग अंदर आ गए हैं, यहाँ पर देखो नहीं तो इसके अंदर पूरा ड्राइंग बना के दिया है, किस तरफ क्या है, किस तरफ क्या है। ये मेन गेट इधर है लेकिन हम लोग घुसे अंदर से ये वाले गेट से। ये देखो एक छछुंदर इधर ही मजा कर रहे हैं, जल्दी वहां से हटो, जल्दी वहां से हटो। ये देखो ये हिरन है, ये व्हाइट कलर का भी है, एक हिरन दो है, ये दो है, इधर भी एक है, थोड़ा है दोनों का। आई एम पटवारी स्पीकिंग फ्रॉम कटीरा जाफराबाद, मनसा देवी मंदिर, गढ़ मुक्तेश्वर। जय हिंद। ओ भाई साहब इधर देखो सियार है, सियार है ना। देखो छोटा भाई मेहताब का है, ये छोटा शेर है, छोटा शेर, ये छोटा शेर है, द ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर जयकाल वाला है भाई उसका। ये क्या है? इमू, इमू मतलब डॉर्मिस में बोले इन्होंने। भाई ये देखो नील गाय है, वही है ना, तो इसके अंदर है नील गाय। ओ भाई साहब भूखे सभी है। ये बैठा है व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर है ये, और ये अभी अंदर था अभी बाहर आया है, हम लोग की तरफ देख रहा है। आया 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 आया, ये देखो गजब। ओ देखो एक उधर बैठा हुआ है, देखो दांत चिया रहा है। दुकर, 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 दुकर। वो देखो एक किलोमीटर दूर से हमको नजर आ रहा है। हाँ बैठा हुआ है, क्लियर नहीं दिख रहा है, बहुत दूर है, देखो मुंह फाड़ रहा है। एक किलो, ये देखो कितना बड़ा मोर है यार। मोर है? मोर है ना, मोर नहीं है, शुतुरमुर्ग है। ये शुतुरमुर्ग है? हाँ। ये भाई ये तो बहुत बड़ा है, खड़ा भी नहीं है, खड़ा नहीं है, बैठा है, खड़ा हो जा। ये है कछुआ और इसके अंदर है दो शुतुरमुर्ग है, दो शुतुरमुर्ग है, उसके बाद बत्तख, उसके बाद पानी में चलने वाली बत्तख, पानी में चलने वाली बत्तख, लेकिन पानी इन लोगों के लिए बहुत कम है, इतने सारे बत्तख के लिए एक ही बत्तख अंदर है। तो इसके अंदर दो घड़ियाल है पतले मुंह वाले, बट ये लोग पानी में देखिए इसी में मजा कर रहे हैं, ये लोग शर्म नहीं आती लोगों को। छोड़ो ये देखो भाई साहब, ये लाकड़ो है, मगर है, लाकड़ो है, मगर है, ये लाकड़ो है, मगर है, मगर है, मगर है, एक कोने में इधर लेटा हुआ है ना, उसके बाद एक उधर कोने में लेटा हुआ है, एक तो देखो वो दीवार फाड़ के अंदर घुस गया है। जानवर धीरे धीरे कम हो रहे हैं या ऐसा तल भूज के खा जा रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा। इंसान ज्यादा बढ़ रहे हैं, जानवर कम हो रहे हैं, इंसान बढ़ रहे हैं, जानवर कम हो रहे हैं। तो ये देखो यहाँ से एंट्री है, इसके अंदर बहुत सारे सांप हैं, अलग अलग तरह के नाग हैं, अजगर हैं, और ये देखो अरे अरे खा जाएगा मालूम है ना। ये देखो एनाकोंडा पानी के अंदर आराम फरमा रहा है, दीवार के ऊपर देखो सांप बैठा हुआ है, और उधर कोने में बहुत सारे सांप है। ये है नाग, बोले तो हम लोग ह्यूमन बोलते हैं ना। आगे देखते हैं, ए भाई साहब इधर देखो ये वाला बड़ा वाला एनाकोंडा, ये एनाकोंडा पानी के अंदर देखो कितना मोटा है भाई साहब, ये तो आदमी खा जाएगा इतना बड़ा है। इधर से देखो ये बहुत भारी है भाई साहब, बहुत मोटा है, एक ही है नहीं दो है। ये देखो ये सारे अजगर हैं, बहुत सारे हैं, और नीचे पेड़ के नीचे भी एक है, और ये देखो इधर ही एक बैठा है, सामने भी है, अंदर देखो वो बहुत सारे बैठे हुए हैं। छोड़ो आगे बढ़ो, इसके अंदर बहुत सारे हैं, एक देखो इधर चल रहा है उसके ऊपर,
वो दिखाओ, देखो ऊपर चल रहा है। ओए 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 ओए, देखो सबसे बड़ा वाला अजगर इसके अंदर है और साफ दिखेगा या नहीं पता। दिखाओ जूम करके, ये देखो बैठा हुआ है, बहुत बड़ा अजगर है ये क्या है पता नहीं, कोयपू लिखा हुआ है बट ये है क्या पता नहीं। ये पानी में भी तैर रहा है, एक दो तीन ऊपर है। अभी तक हम लोग जितने भी जानवर देखे हैं उसमें से सबसे फुर्तीले मुझे यही दिखे क्योंकि ये सब कुछ न कुछ कर रहे हैं। देखो वो देखो खुजा रहा है। देखो जानवर बहुत कम हो गए, एक बार मैं आया था इसमें 7-8 साल पहले, तो उस टाइम पर इसमें बहुत सारे जानवर थे, मतलब आप घूमते घूमते थक जाओगे, जानवर खत्म नहीं होंगे। ये देखिए ये गांधी जी के 3 बंदर और ये चौथा कौन है पता नहीं है, ये कौन है, इन लोग को डिस्टर्ब करने आए क्या। इसके अंदर ये देखो ये बाहर ही लटका हुआ है, बाहर निकलने की नाकाम कोशिश। ये देखो यो भाई साहब, ये है बड़े वाले हंस, क्या लिखा हुआ है इस पे, सारस, सारस ना, और जो सारस पाला था ये वही वाले हैं, बहुत बड़े बड़े हैं भाई साहब। वो देखो थोड़ा जूम जूम करके दिखाओ, इसके मुंह में तो देखो इतने बड़े बड़े हैं। तो इधर देखो, इधर मोर है, ये देखो फैलाया हुआ, इधर से साफ दिखेगा कि नहीं, पूरा जाली ही दिखेगा। गांव में कहते हैं ना मोर नाचेगा तो बारिश होगी। बस देखा तो वह कैमरा लेकर उधर गया तो इधर घूम गया। समझ रहा है पोज अच्छा नहीं है, ये वाला पोज ठीक है। अरे बाप रे, तो इनका तो कलर ही अलग है, व्हाइट कलर के। ये देखो भाई शाबाश। अरे 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 अरे, क्या बच्चे भी है। ये देखो, अरे फाइट शुरू हो गया है, एकदम लास्ट का सीन चल रहा है। ये देखो ये जियो जियो, क्या ला ला देखो, जंग शुरू हो गई है। इंटरेस्टिंग मिला। तो अभी हम लोग जू के अंदर से बाहर आ गए हैं, ठीक है दोस्तों, सफर खत्म हुआ का करके का, बहुत थकान सी महसूस हो रही है। तो दोस्तों जय महाकाली पंजाबी भोजनालय, तो अभी हम लोग खाना खाएंगे उसके बाद फिर यहाँ से घर पे निकलेंगे। ओके तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर पूरा घूम लिए, ठीक है, हम लोग घर जा रहे थे बट घर नहीं जाएंगे अभी, अभी बहुत टाइम है, बोले तो 3 बज रहा है अभी, तो हम लोग सोचे कि अभी हम लोग चलते हैं कहीं और पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रिवर फ्रंट, जो नरेंद्र मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया था रिवर फ्रंट का, अटल ब्रिज, ठीक है, तो अटल ब्रिज, वो अटल ब्रिज जो बना है रिवर फ्रंट पे वो 74 करोड़ में बना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अभी गदर लगा हुआ है एप्पल में, एप्पल मल्टीप्लेक्स है, देखो यहाँ पर अभी भी गदर लगा हुआ है और बहुत ही तगड़े तरीके से चल रहा है, पूरा फुल टू एकदम फुल हाउस चल रहा है अभी भी, सेकंड हफ्ता भी फुल टू फुल हाउस चल रहा है। वो भी सेकंड पार्ट में हम आपको रिवर फ्रंट दिखाएंगे, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना और शेयर वेयर भी कर देना यार, नया चैनल है, थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई कमी है तो अभी बताना क्योंकि हम लोग नए हैं, अभी ब्लॉगिंग में इतना हम लोग एक्सपर्ट नहीं है, तो कुछ कमी हो वो भी बताना ताकि हम क्या सुधार कर सके।